सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कैसे कर सकते हैं। और काफी लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अब आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं, उनका आधार कार्ड में नेम जो है कुछ और है और पैन कार्ड में नेम जो है कुछ और है, तो इस स्थिति में क्या उसे पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में कुछ अलग है और पैन कार्ड में कुछ अलग है, तो ये जानना चाह रहा है क्या हमारा अलग अलग अगर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ और अलग अलग नेम है आधार कार्ड पैन कार्ड में, तो क्या हमें लिंक कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसा है जिसका नेम और आधार कार्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक है और उन्होंने चालान कर दिए हैं, यानी कि 1000 रुपये का पेमेंट जो है उसने कर दिया है, तो क्या उसका पैसे रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कैसे मिलेगा, या उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो आज के वीडियो में बात करेंगे फुल डिटेल्स में। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आधार कार्ड से पैन कार्ड आपको लिंक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूं, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं। यदि आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने हैं और आपका नाम जो है आधार कार्ड में अलग है और पैन कार्ड में आपका अलग है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को UID के वेबसाइट पर विजिट करना है और आप लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना है और अपने नियर बाई आधार केंद्र पर पहुँचना है और वहाँ से आप लोगों को पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में करेक्शन करवा लेना है। यदि आपका करेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आप लोग आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर में कुछ लोगों का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है गलत है, तो सेम टू सेम यही करना पड़ेगा, आपको अपने नियर बाय आधार केंद्र पहुँचना है, आपको वहाँ से पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में करेक्शन करवा लेना है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो ऑनलाइन UID के पोर्टल से भी अपडेट कर सकते हैं। जब आधार कार्ड से पैन कार्ड उसने लिंक करने के लिए चालान काट दिए हैं और उसको वेरीफाई कर रहा है आधार कार्ड लिंक के स्टेटस पे क्लिक करने के बाद, तो उसे कुछ इस तरह के एरर देखने को मिल रहा है, यानी कि उसका बताया जा रहा है आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो आपका नेम है वो आपका सही नहीं, यानी कि डिफरेंस है या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है डिफरेंस है, तो इस स्थिति में क्या करना है। यानी कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो इससे आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वेट करना है। सबसे पहले आप लोगों को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पैन कार्ड को आप लोगों को करेक्शन करवाना है या फिर पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आधार कार्ड को आपको अपडेट कराना है, तो आप लोगों को ये देखना है हमें क्या बेनिफिट है। यदि आप लोग आधार कार्ड से पैन कार्ड आप अपडेट कराते हैं तो पैन कार्ड आपको पता है 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोगों का पैन कार्ड बन जाएगा और 24 से 48 घंटे के अंदर में आपके मेल पर पैन कार्ड आ जाता है। तो पैन कार्ड को करेक्शन कराने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, आप NSDL से या फिर UTI से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा NSDL से अप्लाई कीजिए ताकि आप लोगों का पैन कार्ड जल्द से जल्द बन सके। यदि आपने 1000 रुपये के चालान कर दिए हैं तो स्लिप आपको रखना है और जब नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों ने करेक्शन करके अपडेट हो गया रहेगा पैन कार्ड या आधार कार्ड में, तो फिर से आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां से फिर से आपको आधार लिंक पर क्लिक करना है और इसके आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो जो आपने चालान यदि कर दिए होंगे, 1000 रुपये का पेमेंट आपने कर दिए होंगे, तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो कुछ लोग ये सोच रहा था कि हमारा 1000 रुपये जो हमारा बर्बाद हो गया, आप लोगों को ऐसा नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है।